देखिए, सबसे बड़ी बात है जो विवाद वहाँ पैदा हुआ है, स्टूडेंट कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, और स्टूडेंट स्कूल कॉलेज जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, ना कि धर्म का प्रचार करने के लिए। पढ़ाई करने वाले को हिजाब का ज़रूरत क्या है? और अगर स्कूल ड्रेस में आप जाएँ, सादे ड्रेस में जाएँ, जो नॉर्मल ड्रेस है, फॉर्मल ड्रेस है, इसमें स्कूल जाते हैं और स्टूडेंट स्टूडेंट दिखते हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है? स्टूडेंट को स्टूडेंट ही दिखना चाहिए, किसी धर्म का प्रचारक नहीं दिखना चाहिए। तो ये विवाद का विषय नहीं है, विवाद इस पर होना ही नहीं चाहिए। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे, इसको विवाद में ना ले जाएँ। कुछ लोग लगे रहते हैं हर चीज़ को विवाद कराने में, कुछ दल के लोग लगे रहते हैं, हमेशा विवाद हो। अभी यूपी चुनाव है, विवाद को यूपी चुनाव पहुंचाने में लगे हुए हैं। यूपी चुनाव में देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एक हो रहा है और मुस्लिम का वोट बीजेपी के तरफ आ रहा है, तो विरोधियों का कलेजा फट रहा है, कांग्रेसियों का कलेजा फट रहा है, सपा वाले का कलेजा फट रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये अन्याय कैसे हो रहा है। जो लोग सब दिन दंगा कराए और 5 साल में योगी राज में कोई दंगा नहीं हुआ और मुसलमानों का वोट योगी की तरफ जा रहा है, तो इससे लोग फट रहे हैं, कलेजा उनका फट रहा है कि ये हो क्या रहा है। उनका मतलब समझिए कि दिमाग घूम रहा है और लग रहा है कि हमारा पूरा पत्ता साफ होने वाला है यूपी में। इसलिए तरह तरह का विवाद करके बाहर से विवाद को यूपी में लाया जाए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।